रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक और मेथड भी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने आपको पहले करवा दिया है कि सबसे पहले वो वाले एलिमेंट जो भी आपके पास रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए दो रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उन एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लो जिसमें वो एलिमेंट अंडरलाइन कर लो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो। इस रिएक्शन में क्रोमियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम और क्लोरीन है, बाकी सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर लिया आपने। सबसे पहले जिनको आपने अलग किया उनमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना फर्क आ रहा है, यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहाँ पे कितनी हो रही है जी, +3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड देखिए, जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे +7, यहाँ पे जा रही है तो कितनी हो रही है जी, +5। यहाँ पे आपका हो रहा है जी क्लोरीन का रिडक्शन। दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जस्ट मैंने क्लेरिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसको अलग लिख लीजिए और जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसको अलग लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ClO4-, ठीक है, किसमें जा रहा है ये, ClO3- में जा रहा है। दोनों को मैंने अलग अलग कर लिया, पहला स्टेप सेम रहेगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आया कितना आया है जी, 3 का डिफरेंस है, उसको अलग से लिख लो, ठीक है। 7 से 5 में गया है, कितने का डिफरेंस आया है, 2 का, वो लिख लो। दोनों साइड क्रोमियम इक्वल है, क्लोरीन भी इक्वल है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इनको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और +3 में वो चला गया, मतलब इसके यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आया। लेकिन इस मेथड का ही जैसे नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्या करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 0 से जो +3 में गया है इसका मतलब उसने क्या किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, क्या किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं साइड में, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, ठीक है। वेरी सिमिलरली यहाँ पे देखिए, +7 था, +7 से किस में गया, +5 में, किस में गया, +7 से +5 में, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आया, 2 का, ठीक है। 7 से +5 में गया है, ठीक है, 7 से +5 में गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए हैं, लिए हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए। डेफिनेशन से भी बात क्लियर हो जाती है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। अब सेकेंड जो स्टेप है वो आपने जो इसमें करना है एक्स्ट्रा है, वो है चार्ज बैलेंस करना। अब इधर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 3 नेगेटिव चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 H पॉजिटिव जोड़ देंगे, दोनों साइड 0-0 चार्ज हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आप क्या करेंगे, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करेंगे, दूसरा स्टेप होता है चार्ज को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस होने के बाद चार्ज बैलेंस करना। इधर हो गया 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, लेकिन इधर कितना है, 1 नेगेटिव, इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि इधर भी 1 नेगेटिव कीजिए, टोटल कितना इधर, 3 नेगेटिव, क्या कर दीजिए, 2 H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए। जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ठीक है, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दो, राइट में राइट जोड़ दो, क्या आएगा, 2Cr, ठीक है, और ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, 3, तो कितना आ जाएगा, 3ClO4- +6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6H पॉजिटिव, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 6H पॉजिटिव, ठीक है, 2CrOH3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3ClO3-। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए। अब इसमें देखो ध्यान से, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल कर दो,
इधर भी 6 एच पॉजिटिव, इधर राइट में भी 6 एच पॉजिटिव, कैंसिल कर दो, रिएक्शन को दोबारा लिख लो, 2Cr plus ClO4 नेगेटिव, ठीक है, किसमें गया, 2Cr OH थ्राइस में, प्लस में क्या हुआ यहाँ पे 3ClO3 नेगेटिव। अब करो जी ऑक्सीजन को बैलेंस, नेक्स्ट काम होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा, ऊपर 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। अब कीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 12, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 3 और 2 6 और 9 15, 15 ऑक्सीजन है इधर और इधर है 12, तो आप इधर क्या कर देंगे 3H2O ऐड कर देंगे। जब आप इधर 3H2O ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए एक्स्ट्रा हो गए, कितने हो गए 3 × 6, यहाँ पे OH के पास भी क्या पड़े हाइड्रोजन 1 में 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे 6, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होकर क्या आएगी 2Cr plus 3ClO negative plus 3H2O, ठीक है, क्या मिल गया आपको 2CrOH thrice plus 3ClO3 negative, ये हो जाएगी आपकी क्या बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कौन से मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आंसर मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, स्टेप यही यूज होंगे। एक और मैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, मैं यहाँ पे Mn ले रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के Mn है, यहाँ पे Fe है, यहाँ पे Mn है और यहाँ पे Fe है, Mn यहाँ से यहाँ जाएगा, Fe यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा जी, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7, ठीक है, +2 में गई घटेगा तो क्या होगा जी रिडक्शन, ठीक है जी, दोनों को अलग अलग करके लिखिए, मैंने बताया स्टेप नहीं चेंज करने आपने, ठीक है, दोनों को अलग अलग करके लिखिए, MnO4 नेगेटिव, ठीक है, किसमें गया जी Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है, फिर लिखिए Fe2 पॉजिटिव, किसमें गया जी Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना डिफरेंस है 7 से किस में गया +2 में, कितने का डिफरेंस है 5 का, यहाँ पे 2 से किस में गया 3 में, कितने का डिफरेंस है 1 का, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो यहीं से मल्टीप्लाई करके सीधा कर लेते हैं, लेकिन ये कौन सा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो इसको मैं सबसे पहले क्या कीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कीजिए, +7 से +5 में गया मतलब इसने क्या किए हैं, क्या किए इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है लूज किया है। अगला स्टेप चार्ज बैलेंस कीजिए, चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 5 और 1 6 नेगेटिव, इधर कितना है 2 पॉजिटिव, क्या कर दोगे यहाँ पे 7 एच पॉजिटिव एड कर दो, कितना बच जाएगा यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव है और इधर भी 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव ऑलरेडी बैलेंस है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है ऊपर वाली में चेंज आया है उसको नीचे वाली से, नीचे वाले में जितना चेंज आया उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लेफ्ट जोड़िए राइट में राइट जोड़िए, क्या आएगा यहाँ पे MnO4 नेगेटिव, ठीक है, एक से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, +7 एच पॉजिटिव, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 5 का चेंज आया था ऊपर वाली में, 5 Fe2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा Mn2 पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आएगा 5 Fe3 पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं जी, कर दीजिए, अब इसमें देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, कितनी है जी 4, ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे 7, तो क्या करोगे आप इधर कितना ऐड कर दोगे 4H2 ऐड कर दोगे, इधर हाइड्रोजन अब कितनी हो गई है 8, तो इधर एक बढ़ा दोगे, अब ये क्या है बैलेंस है, क्या जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन से मेथड से, हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इस तरीके से आप रिएक्शनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है, एक इसमें और भी है, जैसे कि मान लो ये वाली रिएक्शन आपको कह दे कि बेसिक मीडियम में करो, तो जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते थे पहले इसको एसिडिक मीडियम में ही करनी है, उसके बाद में आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना है, वो क्या है जरा देख लो, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा स्टेप ये है जी कि आप जितने आपके पास एच पॉजिटिव है कोई सी भी साइड में हो लेफ्ट में राइट में, उसमें क्या कर दोगे आप 4H2
4 OH नेगेटिव ऐड कर दोगे, सॉरी जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव ऐड करोगे, तो यहां पे कितने हो जाएंगे 8 OH नेगेटिव हो जाएंगे। H और OH मिलके कितने क्या बना लेंगे H2O, इधर कितने 4H2O, इधर कितने बच जाएंगे, तो राइट साइड में भी तो OH ऐड करोगे ना 8 OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे यहां पे 4H2O, ये 4H2O इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा रिजल्ट बेसिक मीडियम के लिए MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है, किसमें गया Mn2 पॉजिटिव में प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है, और यहां पे क्या आ जाएगा 8 OH नेगेटिव, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा किसके लिए बेसिक मीडियम के लिए। एसिडिक या बेसिक के लिए जब भी बैलेंस करना हो पहले एसिडिक में करोगे बाद में OH उसके लगा के उसको बेसिक बना दोगे, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इस तरीके से आप बैलेंस कीजिए, बिल्कुल आसान सा मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा 11th की बोर्ड की क्लास, 11th की क्लास में पूछते हैं ये, ठीक है, वैसे इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सिंपल, ठीक है, स्कूल में पूछा जाएगा आपसे, ये कीजिए इसको, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का एक और मेथड भी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी इसको बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड मैंने आपको पहले करवा दी है कि सबसे पहले वो वाले एलिमेंट जो भी आपके पास रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए दो रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले उन एलिमेंट्स को अंडरलाइन कर लो जिसमें वो एलिमेंट अंडरलाइन कर लो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग हो। इस रिएक्शन में क्रोमियम है, क्लोरीन है, क्रोमियम और क्लोरीन है, बाकी सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनको अलग कर लिया आपने। सबसे पहले जिनको आपने अलग किया उनमें देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना फर्क आ रहा है, यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, यहां पर कितनी हो गई जी +3। जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड देखिए जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पे +7, यहां पे जा रही है तो कितनी हो रही है जी +5, यहां पे आपका हो रहा है जी क्लोरीन का रिडक्शन। दोनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया, जस्ट मैंने क्लेरिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन। अब दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है उसको अलग लिख लीजिए,
और जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसको अलग लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ClO4 नेगेटिव, ठीक है, किस में जा रहा है ये, ClO3 नेगेटिव में जा रहा है। दो दो को मैंने अलग अलग कर लिया, पहला स्टेप सेम रहेगा, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस आया कितना आया है जी, 3 का डिफरेंस आया, उसको अलग से लिख लो, ठीक है। 7 से 5 में गया है, कितने का डिफरेंस आया है, 2 का, वो लिख लो। दोनों साइड क्रोमियम इक्वल है, क्लोरीन भी इक्वल है, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, इनको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी और +3 में वो चला गया, मतलब इसके यहां पे कितने का डिफरेंस आया, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आया। लेकिन इस मेथड का ही जैसे नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों को भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्या करने के लिए, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। 0 से जो +3 में गया है इसका मतलब उसने क्या किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, क्या किए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं साइड में, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, ठीक है। वेरी सिमिलरली यहां पे देखिए, +7 था, +7 से किस में गया, +5 में, किस में गया, +7 से +5 में, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस आया, 2 का, ठीक है। 7 से +5 में गया है, ठीक है, 7 से +5 में गया, इसका मतलब यहां पे क्या हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किए हैं, लिए हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, यहां पे इलेक्ट्रॉन लिए, डेफिनेशन से भी बात क्लियर हो जाती है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। अब सेकंड जो स्टेप है वो आपने जो इसमें करना है एक्स्ट्रा है, वो है चार्ज बैलेंस करना। अब इधर देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, इस साइड 3 नेगेटिव चार्ज है, इधर 0 चार्ज है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 3 एच पॉजिटिव जोड़ देंगे, दोनों साइड 0-0 चार्ज हो गया। इसी तरीके से यहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है, चार्ज को बैलेंस करेंगे, दूसरा स्टेप होता है चार्ज को बैलेंस करना, ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस होने के बाद चार्ज बैलेंस करना। इधर हो गया 1 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, लेकिन इधर कितना है, 1 नेगेटिव, इसको आप कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करने का तरीका यह है कि इधर भी 1 नेगेटिव कीजिए, टोटल कितना इधर, 3 नेगेटिव, क्या कर दीजिए, 2 एच पॉजिटिव एड कर दीजिए, जो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ठीक है, अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ दो, राइट में राइट जोड़ दो, क्या आएगा, 2Cr, ठीक है, और ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होएगा, 3, तो कितना आ जाएगा, 3ClO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 एच पॉजिटिव, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 6 एच पॉजिटिव, ठीक है, 2 Cr OH थ्राइस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3ClO3 नेगेटिव। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे नहीं लगता कुछ होनी चाहिए। अब इसमें देखो ध्यान से, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल कर दो, इधर भी 6 एच पॉजिटिव, इधर राइट में भी 6 एच पॉजिटिव, कैंसिल कर दो, रिएक्शन को दोबारा लिख दो, 2Cr प्लस ClO4 नेगेटिव, ठीक है, किसमें गया, 2Cr OH थ्राइस में, प्लस में क्या हुआ यहाँ पे, 3ClO3 नेगेटिव। अब करो जी ऑक्सीजन को बैलेंस, नेक्स्ट काम होता है ऑक्सीजन को बैलेंस करना, सॉरी यहाँ पे 3 भी आएगा, ऊपर 3 है तो यहाँ पे भी 3 आएगा। अब कीजिए ऑक्सीजन को बैलेंस, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 12, ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 3 और 2 6 और 9 15 ऑक्सीजन है इधर, और इधर है 12, तो आप इधर क्या कर देंगे, 3H2O ऐड कर देंगे। जब आप इधर 3H2O ऐड करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, कितने हो गए, 3 × 6, यहाँ पे OH के पास भी क्या पड़े, हाइड्रोजन 1 में 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6, तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, क्या आएगी, 2Cr प्लस 3ClO नेगेटिव प्लस 3H2O, ठीक है, क्या मिल गया आपको, 2ClOH थ्राइस प्लस 3ClO3 नेगेटिव, ये हो जाएगी आपकी क्या, बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन, कौन से मेथड से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, आंसर मैच कर लेना, कोई प्रॉब्लम है तो बता देना, स्टेप यही यूज होंगे। एक और मैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं, यहां पे मैंने ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है, मैं यहां पे ML ले रहा हूं, ठीक है,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के एमएन है, यहाँ पे एफई है, यहाँ पे एमएन और यहाँ पे एफई है। एमएन यहां से यहां जाएगा, एफई यहां से यहां जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा जी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस सेवन, ठीक है, प्लस टू में गई, घटेगा तो क्या होगा जी, रिडक्शन, ठीक है जी। दोनों को अलग अलग करके लिखिए, मैंने बताया स्टेप नहीं चेंज करने आपने, ठीक है। दोनों को अलग अलग करके लिखिए, एम एन ओ फोर नेगेटिव, ठीक है, किसमें गया जी, एम एन टू पॉजिटिव में, ठीक है। फिर लिखिए एफ ई टू पॉजिटिव, किसमें गया जी, एफ ई थ्री पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना डिफरेंस है, सात से किस में गया, प्लस दो में, कितने का डिफरेंस है, पांच का। यहाँ पे दो से किस में गया, तीन में, कितने का डिफरेंस है, एक का, सॉरी। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में तो यहीं से मल्टीप्लाई करके सीधा कर लेते हैं, लेकिन ये कौन सा मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो इसको मैं सबसे पहले क्या कीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस कीजिए, प्लस सात से प्लस पांच में गया, मतलब इसने क्या किए हैं, क्या किए इसने, पांच इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव में गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, लूज किया है। अगला स्टेप, चार्ज बैलेंस कीजिए, चार्ज को बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, पांच और एक छह नेगेटिव, इधर कितना है, दो पॉजिटिव, क्या कर दोगे, यहाँ पे सात एच पॉजिटिव एड कर दो, कितना बच जाएगा, यहाँ पे भी दो पॉजिटिव, यहाँ पे दो पॉजिटिव है और इधर भी तीन पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पॉजिटिव ऑलरेडी बैलेंस है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है, ऊपर वाली में चेंज आया है, उसको नीचे वाली से, नीचे वाले में जितना चेंज आया उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लेफ्ट जोड़िए, राइट में राइट जोड़िए, क्या आएगा यहाँ पे, एम एन ओ फोर नेगेटिव, ठीक है। एक से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं आएगा, प्लस सेवन एच पॉजिटिव, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पांच से, क्योंकि पांच का चेंज आया था ऊपर वाली में, फाइव एफ ई टू पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम एन टू पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आएगा, फाइव एफ ई थ्री पॉजिटिव प्लस फाइव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं जी, कर दीजिए। अब इसमें देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पे, कितनी है जी, चार, ठीक है, और हाइड्रोजन कितनी है यहाँ पे, सात। तो क्या करोगे आप, इधर कितना ऐड कर दोगे, 4H2 ऐड कर दोगे, इधर हाइड्रोजन अब कितनी होगी, ये 8, तो इधर एक बढ़ा दोगे। अब ये क्या है, बैलेंस है, क्या, जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, कौन से मेथड से, हाफ इलेक्ट्रॉन हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, इस तरीके से आप रिएक्शनों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। एक इसमें और भी है, जैसे कि मान लो ये वाली रिएक्शन आपको कह दे कि बेसिक मीडियम में करो, तो जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते थे, पहले इसको एसिडिक मीडियम में ही करनी है, उसके बाद में आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देना है, वो क्या है जरा देख लो, ठीक है। वो आपका एक्स्ट्रा स्टेप ये है जी, कि आप जितने आपके पास एच पॉजिटिव है, कोई सी भी साइड में हो, लेफ्ट में राइट में, उसमें क्या कर दोगे आप, फोर OH नेगेटिव एड कर दोगे, सॉरी जितने एच पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 OH नेगेटिव हो जाएंगे, एच और OH मिलके कितने क्या बना लेंगे, H2O, इधर कितने हैं, 4H2O, इधर कितने बच जाएंगे, तो राइट साइड में भी तो OH ऐड करोगे ना, 8 OH नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, 4H2O, ये 4H2O इधर आके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रिजल्ट, बेसिक मीडियम के लिए MnO4 नेगेटिव प्लस 4H2O प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। इसमें गया Mn2 पॉजिटिव में प्लस 5 Fe3 पॉजिटिव में, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 OH नेगेटिव, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा इसके लिए, बेसिक मीडियम के लिए। एसिडिक या बेसिक के लिए जब भी बैलेंस करना हो, पहले एसिडिक में करोगे, बाद में OH उसके लगा के उसको बेसिक बना दोगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, इस तरीके से आप बैलेंस कीजिए, बिल्कुल आसान सा मेथड है, हाफ रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा 11th की क्लास में पूछते हैं ये, ठीक है। वैसे इसका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, सिंपल, ठीक है, स्कूल में पूछा जाएगा आपसे, ये कीजिए इसको, कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए।